सो वेलकम बैक गाइस। सो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के साथ। तो इतने टाइम से तुम सोच रहे होगे कि भाई माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स क्यों आ रहे हैं। उसका रीज़न है ये सर्वाइवल सीरीज़। हमारे पास माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ नहीं है, तुम्हें पता है मैंने 1.18 की एक रॉकलैंड सीरीज़ चालू की थी, लेकिन वो सीरीज़ डूब गई है। गाइस 1.18 जब से मैंने डाउनलोड किया, इसके बाद 18 और 19 सब में भाई फाइल्स की बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, एक महीने से ज़्यादा हो गया मेरे जो वर्ल्ड्स हैं वो जा नहीं रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है शायद वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। तो अब मैं फाइनली अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तुम देखो, ये मेरा कोस्टल विलेज नाम का वर्ल्ड है, एक टाइप की फिल्म सिटी है ये, इसी के अंदर सारे शॉर्ट्स बनते हैं। एंड मेरा 300 स्पेशल पार्क और भी इसी में है, इसका भी तुम्हें किसी दिन टूर देंगे। अभी मैं फटाफट से अपना न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ। सो 1.18 क्या ये जगह चेंज होनी चाहिए थी ना? नहीं, वो तो 19 में हुई है। सो अपने वर्ल्ड का नाम मैं सोच के आया हूँ। तो अपने वर्ल्ड का नाम मैं रखने वाला हूँ ZSG किंगडम। अब ZSG का मतलब जूम स्टार गेमिंग, एंड किंगडम का मतलब तुम समझ ही गए होगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफ़िकल्टी हार्ड रखता हूँ। एंड मेरे पास कोई मतलब शेडर वगैरह नहीं है जो मैं लगा सकूँ। शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देते हैं, अभी छोटी मोटी जो मतलब ऑन करनी होती है, बाकी मैं कुछ सीड वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। सो गाइस अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी सर्वाइवल सीरीज। सो गाइस अभी मैं अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, एंड साइड में इतने सारे शीप हमें साइड में ही दिख गए हैं। सो अब टाइम है हंटिंग का, ढेर सारे ऐसे फूड कलेक्ट करते हैं, ढेर सारी वूल भी मिली जाएगी, बेड अपना क्राफ्ट हो जाएगा। जल्दी मरो यार। सो गाइस अभी मैंने सारी शीप मार दी है, एंड सामने विलेज भी है भाई। आज तो भाई साहब मेरे को लग रहा है मेरा जैकपॉट ही खुल चुका है, क्योंकि मेरे को शीप भी मिल गए और साथ में भाई साहब एक विलेज भी मिल चुका है। तो जल्दी से आगे जाते हैं और यहाँ पर आयरन वगैरह का भी जुगाड़ हो जाएगा। बाकी इस घर में अगर ब्लैकस्मिथ हो ना तो मज़ा आ जाए। पहले देखते हैं यहाँ पर ब्लैकस्मिथ का घर है कि नहीं। तो थोड़ा रेयर सा होता है, बट कई बार मिल जाता है। और आई थिंक मैं वो लकी बंदा हूँ जिसको, अरे है यार, है यहाँ पर है ब्लैकस्मिथ का घर। मेरे को ब्लैकस्मिथ का घर मिल गया गाइस। यहाँ पर लावा का जुगाड़ हो गया थोड़ा, लावा का क्या करूँगा। चेस्ट में क्या है? वो आयरन मिल गया ढेर सारा, ठीक है, ठीक ठाक लूट है। वैसे आयरन की चीज़ें मिल गई सबसे पहले, वुडन की भी नहीं बनाई और आयरन की मिल भी गई। और यहाँ से ना मैं फर्नेस तोड़ लेता हूँ, दोनों ही तोड़ लेते हैं, ये लोग करेंगे भी क्या। और ये ग्राइंड स्टोन भी मैं अपने साथ अपनी बाद में ले जाऊँगा। उसके बाद अपने को एक ब्लैक स्मिथ का घर मिल गया है, एंड यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, ये भी हम ले लेंगे। सारा सामान लूट लो भाई साहब, जो भी अपने काम का है। हालांकि फिर इसकी जॉब चली जाएगी बंदे की, लेकिन ये अपने काम का आइटम है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ब्रूइंग स्टैंड भी ले ले क्या? यहाँ पर एक पीछे भी मैंने घर देखा है ये वाला। अबे एक और ब्लैकस्मिथ, सही में मेरे को एक और ब्लैकस्मिथ का घर मिल गया भाई। मैं ज़्यादा ही लकी नहीं हूँ भाई? ज़्यादा ही मस्त वाली सीड मिली है गाइस मुझे इस बार। चार चार फर्नेस हो चुके हैं। एंड इस चेस्ट में क्या है? वो ऑब्सीडियंस मिल गए भाई मेरे को, आयरन इंगोट। तो देखो भाई साहब, अरे फिर से यहाँ पर बूस्टर लेगेंस मिली है। गोल्ड नहीं ले पाया मैं, गोल्ड भी ले लेते हैं भाई साहब। काफ़ी सारी लूट हो गई अपने पास। तो यार मैं तो मैं नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे रखे रहने से अच्छा है इसका यूज़ कर लेते हैं। अपने पास हो चुका है 10 आयरन, इससे मैं एक शील्ड बना सकता हूँ। लेकिन वुड मैं ना इनके घरों से नहीं तोड़ूंगा, वुड मैं अलग तोड़ूंगा। बाकी थोड़े बहुत पिक्स हैं, इनका मर्डर, अरे इसका बच्चा है यार, इसके बच्चे के सामने मैं इसको नहीं मार सकता। बच्चे के सामने मैं मार भी सकता हूँ ना, तो पहले बच्चे को ही ख़त्म कर देते हैं। एंड अब तेरा बच्चा तो रहा नहीं, तो अब मेरे को किस पे दया आएगी? तो अब मैं तेरे को ख़त्म कर देता हूँ खाने के हिसाब से भाई। मैं मतलब खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाई सर, ये माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है, प्लीज़ हेट मत करना, तुम लोग भी यही करते होगे। तो अभी हम थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करते हैं, यहाँ से पहले थोड़ी बर्च वुड ले लेते हैं। अभी वुड तोड़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि अपना एक्स है, तो उसको भी बना लेते हैं। एंड एक शील्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अभी आप मेरे प्लेयर को देख पा रहे हो जो शुरुआत में इतना ज़्यादा ओपी हो चुका है, तो आगे तुम सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा मैं ओपी हो जाऊँगा।
से भी ज़्यादा बर्च लॉक जमा कर लिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा और काम करते हैं, एंड मैंने अपना हेलमेट बनाने का सोच रहा हूँ। चेस्ट प्लेट तो बनेगी नहीं, तो हेलमेट ही क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड हेलमेट तो मैं पहन लेता हूँ, काफ़ी ओपी बन चुके हैं हम स्टार्टिंग में ही, लेकिन ये सब ना एक ब्लैक स्मिथ के घर से हुआ है, दो ब्लैक स्मिथ के घर से। क्या लक है मेरा। सो अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कोई केव वगैरह मिलती है तो उसमें चलते हैं, क्योंकि भाई अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कि भाई घर बनाने का मैं सोच रहा हूँ ना अगले एपिसोड में करते हैं ये काम। आज मैं खुद को ना थोड़ा बहुत ना अच्छा बना लेता हूँ, एटी अपग्रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे हेबल्स पड़े हुए हैं। हेलो आयरन कॉलम सर, मेरे को आयरन मिल गया है काफ़ी सारा, तो मैं आपको आज के एपिसोड में तो छोड़ ही देता हूँ। एंड वैसा सबसे बढ़िया अपडेट पता है वो क्या लगा, ये ना इसमें क्रैक आने लगता है आयरन कॉलम पे, जैसे जावा एडिशन में आते हैं। एंड हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेरे को इसको मार के आयरन लेना है ना कि इसको रिपेयर करना है। तो हमारे पास 5 आयरन हो चुका है। एंड यहाँ से वो ले भी लेते हैं, हालांकि मेरे पास बेड का जुगाड़ हो गया है विलेज में, बट कोई बात नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान होना भी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बनाना भूल चुका हूँ, एंड अगर वो मैंने नहीं बनाई तो मैं अपनी प्रोनेस नहीं दिखा पाऊँगा, वो है हमारी बकेट। एंड गाइस इस बकेट में पानी भर ही लेते हैं, क्योंकि बिना पानी के बकेट अधूरी है, जैसे मैं बिना सब्सक्राइबर्स के। तो गाइस अभी एक बहुत ही मस्त सी सुबह हो चुकी है, एंड मैंने पिछले दिन बहुत सारा फूड इकट्ठा किया था, हालांकि मेरे पास हेबेल्स हैं लेकिन थोड़ा ये वाला फूड भी होना चाहिए। तो अभी मैं ढेर सारे ब्रेड्स बनाता हूँ पहले, एंड फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्रेड्स के लिए बनाएंगे पहले वीट, एंड अब बना शुरू करते हैं ढेर सारा ब्रेड जल्दी से। 51 ब्रेड इज़ इनफ, एंड अभी चलते हैं फटाफट थोड़ा। और सामने रूइन पोर्टल है भाई, चलो रूइन पोर्टल को एक्सप्लोर करके आते हैं जल्दी से, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर ना अच्छी लूट मिलती है। अच्छी लूट में क्या मिलता है वहाँ पे, मतलब हो सकता है ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाए। एक तो गोल्ड ब्लॉक है बस, इसमें ढेर सारा गोल्ड मिल जाता है, बाकी चेस्ट भी गोल्ड से ही भरी होती है। तो यहाँ पर पहले तो गोल्ड लेंगे, वो दो दो गोल्ड के ब्लॉक्स, अभी मैग्मा ब्लॉक था वो यार। अब ये गोल्ड ब्लॉक है लावा के अंदर क्यों डुबा के रखा हुआ है इन लोगों ने। पहले चेस्ट ही लूट के देखते हैं चेस्ट में क्या है। दो ऑप्सीडियन, मेरे पास तो 7 ऑप्सीडियन हो गए भाई साहब, बट ना 8 चाहिए होता है, 10 चाहिए होते हैं। मैं एक चीज़ करके देखता हूँ, अगर मैं ये पानी ऐसे डाल दूँ और फिर बाद में यहाँ पर ये है, अब 2 ब्लॉक का पोर्टल बनता नहीं है। अब जो ये ऑप्सीडियन है इन्हें मैं खोज सकता हूँ, क्योंकि देर लगती है लेकिन ऑप्सीडियन टूट जाता है, हालांकि मिलेगा नहीं लेकिन मेरे को चाहिए भी नहीं। तो पहले इसको तोड़ देते हैं। इसके नीचे भी ऑप्सीडियन है, ये पोर्टल एक्टिवेट हो सकता है यार, जल्दी से इसको भी तोड़ देते हैं एक बार। एंड अभी मेरे पास ये 7 है ना, इनमें से मैं 1 लगा लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैंने फायर चार्जेस एंड फ्लिंट एंड स्टील देखा था, फ्लिंट एंड स्टील का यूज़ करते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पोर्टल भी, और मैंने अपनी ही आग लगा ली, रुको, पोर्टल भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एंड इसे हटा देते हैं, एंड अब ये गोल्ड ब्लॉक ले लेता हूँ मैं, जैसे चढ़ूँ पर भूल से चढ़ जाते हैं, कि भाई लूटे बिना तो मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। भूल पता नहीं मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इतने सारे ब्लॉक्स हैं, बट कोई बात नहीं। एंड अब ये वाला गोल्ड ब्लॉक लेने में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, इसके नीचे लावा नहीं है ना, अगर नहीं है तो ठीक है फिर, तो हमने हटा दिया। एंड यहाँ से ले लेते हैं ये गोल्ड ब्लॉक, एंड हमारे पास हो चुका है 18 गोल्ड एक्स्ट्रा, मतलब 21 टोटल। भाई मज़ा आ गया भाई, पहले पार्ट में इतना ज़्यादा अमीर कौन होता है यार। एंड स्टेस में और क्या क्या है, गोल्डन एप्पल मैंने देखा ही नहीं था, फायर चार्जेस वगैरह ले लेते हैं। बाकी भाई लेगिंग्स काफ़ी मस्त है, ब्रेकिंग 3 एंड प्रोटेक्शन 4। मैंने क्रैक क्यों दिया इसको, चेस्ट में डाल देते हैं अभी के लिए, थोड़ा बहुत सामान ना इसी चेस्ट में डाल देते हैं बैकअप के लिए, बचा के रखने के लिए, क्योंकि मैं ज़रा ना नेदर एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, मतलब पार्ट 1 में ही हम लोग नेदर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन भाई थंबनेल तो मैं नेदर का नहीं लगाऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है, लेकिन फिर भी अभी फटाफट चलते हैं नेदर के अंदर। फूड वगैरह अपने पास है ही थोड़ा बहुत, एंड जल्दी चला जाए यार, लेट्स गो।
लेट्स गो ऊपर हॉगलिंस का इलाका। इस हब डेंजरस। यहाँ पर तो पूरे ब्रिजेस बन रखे हैं भाई, आई मीन पूरा ये रास्ता। ओ माय गॉड, फोर्ट्रेस मिल गई सही में। अबे घास यार, तू कोई भी समय हो तेरे को यहाँ पर ये फालतू चीज फेंकते रहना है बस। इतना मस्त मौका है भाई, फोर्ट्रेस भी मिल गई पार्ट वन में भाई। ये ज्यादा लकी जगह नहीं है, आई मीन सीड। आ जा भाई, तेरा ही फादर तेरे मार। आ गए मजा, कॉल कर ले। अब यहाँ से हम नीचे जाते हैं पहले तो। भाई फोर्ट्रेस पार्ट वन में ही भाई साहब कोई अजीब सी चीज नहीं है ये, इतनी मस्त सीड। वो कहाँ है ब्लेजिस का स्पॉनर? ओ भाई इधर स्केलेटन। ओए अबे किसने, अबे ब्लेज थे पीछे, ब्लेजिस आ गए, ब्लेजिस आ गए। शिट। भाई मैं आग कैसे बुझाऊं यार। अबे यार शिट, मर गया भाई। मैं जा रहा हूँ, मैं खेलना ही नहीं है, मैं तो अभी आया था। जरा सर जी, हेलो हेलो, नो लगना चाहिए। अबे शील्ड है ना मेरे पास, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ओ तेरी, मर गया भाई सही में। अभी तो पार्ट वन है, हाफ हार्ट में बचाऊँ मैं? सीरियसली। अबे बंद कर जल्दी से। नहीं, ओह माय गॉड, मैं सीरियसली हाफ हार्ट पे बचा हूँ। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इस वक्त मेरा दिल इतनी स्पीड में है ना यार। मैं बाहर कैसे जाऊँ यार, मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ पहले, फिर निकलता हूँ भाई पार्ट वन में ही। नेदर में जाना आई थिंक एक गलत चॉइस है, हम निकल लेते हैं बड़ा भाई। हाफ हार्ट पे मैं बच गया भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई। भी मेरा मेन जो आर्मर है भाई, ये वाली लेकिन मैं छोड़ के ही नहीं आया, अपने साथ ले आया, मैं पागल हूँ क्या? कर क्या रहा हूँ यार, वो अभी यहीं पर है क्या? ला जा यार यहाँ पर ना हो बस, इनमें से क्या दुश्मनी है? अबे इसकी मेरे से दुश्मनी क्या है, ये जा ही नहीं रहा। तो पीछे से निकल लेता हूँ भाई, फर्नेस तोड़ गई, पता नहीं मैं पागल हूँ खाली हरकतें क्यों कर रहा हूँ। फर्नेस लगा दी मैंने वहाँ पे, फर्नेस आई मीन छोड़ो यार, फर्नेस को छोड़ो, यहाँ पर ब्लॉक लगाओ जल्दी से। मैं निकलता हूँ पीछे से भाई, पीछे से निकल लेंगे तोड़ के। को डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरा पोर्टल कहीं खो ना जाए। बस सबसे बुरी बात होती है कि भाई अगर तुम नेदर में खो जाओ ना फिर भाई कोई। अरे यार चल मारो भाई, दो भाई तीन लोग मार रहे हैं भाई, कैसे बचाऊँ मैं खुद को यार? सब पीछे पड़ गया यार बुरी तरीके से। पहले तू मार जल्दी से, मारना उसने आग बुझा दी अपनी भाई। चार सही में भाई, मेरे से नहीं हो रहा, अब तुम मारोगे। अरे तेरी नो! मैं बना रहा हूँ थोड़े से प्लैंक्स ताकि मैं खुद को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि ये ब्लेजेस ने मेरे को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है। अरे ऊपर ही सब नाच रहे हैं नो! मेरे यार हट जाओ यार 2 सेकंड के लिए। मैं कुछ ना प्लानिंग करता हूँ, यहाँ से मैं ना निकल जाऊँ लोगों से बस बच के जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी देर रहूँगा ना मेरे, अरे यार बोलने भी नहीं देते हैं यार, जितना ज़्यादा मैं यहाँ रहूँगा उतने मेरे मरने के चांसेस हैं भाई। भागो भाई, बहुत दूर निकल जाओ भाई फोर्ट्रेस से। मेरा पोर्टल पता नहीं कहाँ है बट यार ढूंढ ही लेंगे। ओके वहाँ पर है, मुझे को पता है वहाँ पर है, बट इतना ऊपर है यार। जल्दी से नेदर एग कलेक्ट करो काफ़ी सारे, मेरे को ना ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा, मेरे को ऊपर की तरफ ब्रिज बनाना पड़ेगा। जल्दी। हाँ सर जी, आपको 2 सेकंड का चैन नहीं है? ब्लेजर्स पीछे पड़े हुए हैं और ये घास को चैन ही नहीं है यार बहुत अनोइंग है यार ये ना, अनोइंग पना बाद में कभी दिखा दियो, अभी मैं बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हूँ, पैनिक सिचुएशन चल रही है। देखो समझ में आता है कि नहीं आता? ओके डिस्पॉन हो गया क्या? नहीं, पूरी दुनिया डिस्पॉन हो जाएगी, पल को मैं भी डिस्पॉन हो जाऊँ, ये डिस्पॉन नहीं होगा कभी भी, ये ऐसे ही नाचता रहे। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं फंस चुका हूँ बुरी तरह से। ये नेदर ब्रिक्स का भी यूज़ कर ही लेते हैं, प्लैंक इतने सारे और ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी बस इस नेदर से बाहर निकलना मेरा मेन मिशन है, एंड वो मुझे ही देख रहा है, पागल इंसान मुझे ही देख रहा है। क्राउच करके चलता हूँ, उससे गिरूंगा भी बिल्कुल नहीं, और शील्ड भी आगे आती रहेगी, आई मीन आए रहेगी।
खली मैं क्या बोल रहा हूँ यार, दो दो घास, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब कुछ भी। ओके दो दो ये भी आ गए, तुम्हारी कमी थी बस। मैं पर ब्रिज कर रहा हूँ, तुम मेरे को ब्रिज भी नहीं करने दोगे, ये मरवाएंगे, आई मीन खुद ही मारेंगे ये लोग तो। क्या करूँ भाई आज का, भाई ये आई थिंक पहला कोई एपिसोड होगा। व्हाट, वो क्या सीन है, वो क्या सीन है, ये क्या सीन है यार वहाँ का। मैं यहाँ पर हूँ, वो पागलों की तरह आग जलाए जा रहे हैं वहीं पे। यार कितने सारे जमा हो गए यार यहाँ पे। अब बस मेरा ये ब्रिज कंप्लीट हो जाए फिर मैं, भाई देखना भाई जब तक शील्ड होती है तब तक फेंकते ही नहीं है, मतलब भाई इनमें दिमाग नाम की कोई चीज़ है। भाई ये जल ना जाए, बस हो गया मेरा आज का नेदर के लिए एंड इस माइनक्राफ्ट के एपिसोड 1 के लिए भी। और अब मैं भाई साहब ना पार्ट 2 में ही आऊँगा, आई मीन नेदर में नहीं आऊँगा, माइनक्राफ्ट में जाऊँगा केवल, ओवर वर्ल्ड में, नेदर में क्यों आऊँगा मैं। जल्दी से भाई जल्दी से चलो, मेरे को निकलना है भाई। आज का सबसे स्केरियस्ट पार्ट है ये, पार्ट 1 ही। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक फोर्ट्रेस ढूंढ के आए, हमें ढूंढ के बस दो कदम चले और मिल गई। बाहर निकलो, रात हो चुकी है। और राइट, रात तो हो गई है लेकिन मेरी चेस्ट प्लेट अभी तक बनी नहीं है यार। चेस्ट प्लेट बना लेता मैं, बस आयरन ख़त्म हो गया है, वो अगले पार्ट में बना लेंगे। अभी तुम्हें घास खाना बंद कर, तो वो पता है मैं अभी कितनी मुश्किल से आया हूँ, मेरे सामने घास खा रहा है, उसका क्या गुनाह था। चलो भाई भागते हैं जल्दी से और सोते हैं, एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। यार मेरे पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं यार बहुत सारे, मेरे पीछे बेबी ज़ॉम्बी भी पड़ा हुआ है। जल्दी से घर में चलते हैं यार, मेरा हंगर बार ख़त्म होने वाला है। चलो यार फाइनली सोना नसीब हो चुका है, हम सो जाते हैं जल्दी से एंड मैं मिलूँगा फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मैंने बनाया है अपना थोड़ा बहुत आर्मर एंड हम लोगों ने एक रूइन पोर्टल को एक्टिवेट भी कर लिया था और आज हमने नेदर में फोर्ट्रेस भी ढूंढ ली, आज हमने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है। तो इस अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम अपना घर वगैरह बनाने की कोई कोशिश करेंगे एंड मैं मिलता हूँ उनसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, गुड बाय।